नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ श्री डीएन शर्मा जी हैं, जिनके साथ हम यूपीआई का इस्तेमाल करना सीखेंगे। यूपीआई, जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं, इसके द्वारा हम किसी भी बैंक खाते से किसी भी बैंक खाते में पैसों का लेन देन कर सकते हैं, या इंटरनेट द्वारा अपने स्मार्टफोन पर इस्तेमाल किया जाता है। अभी 28 बैंकों ने अपने यूपीआई इनेबल्ड ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध करा दिया है। ये ट्रांजैक्शन करने में कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। अब हम सीखेंगे कि कैसे एक ट्रांजैक्शन यूपीआई के द्वारा कर सकते हैं। यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन करने के लिए आप अपने बैंक की यूपीआई ऐप को उतारें। स्टेट बैंक की यूपीआई ऐप एसबीआई पे है, हम उसके द्वारा पैसे को हस्तांतरित करने का एक सैंपल देखेंगे। एसबीआई के यूपीआई ऐप का नाम एसबीआई पे है। जब आप इस एसबीआई पे में लॉगिन करते हैं तो आप देखते हैं इसमें कई सारी ऑप्शंस आपको अवेलेबल होती हैं। इन ऑप्शंस में से अगर आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तो पे के बटन का इस्तेमाल करें। पे दबाने के बाद आपसे पे ई वर्चुअल एड्रेस, यहाँ पर आप जिस आदमी को पैसा भेजना चाहते हैं उसका वर्चुअल एड्रेस टाइप करें। यहाँ पर सबसे पहले आप अपने अकाउंट सेलेक्ट करें कि कौन से अकाउंट से आप पैसा भेजना चाहते हैं। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद जिस आदमी को पैसा भेजना चाहते हैं उसका वर्चुअल एड्रेस यहाँ पर टाइप करें। मैं यहाँ पुनीत जी को पैसा भेजना चाहता हूँ, तो मैं उनका वर्चुअल एड्रेस, यानी ये इस तरीके से भी सेफ है कि मुझे उनका न तो खाता नंबर जानने की ज़रूरत है और न ही मुझे उनका मोबाइल नंबर जानने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा एड्रेस है जो कि सीक्रेटली पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। यहाँ मैं पुनीत जी का वर्चुअल एड्रेस टाइप कर रहा हूँ। पुनीत जी का जब मैं वर्चुअल एड्रेस टाइप करता हूं और उसके बाद पे ही नेम पर जब मैं बटन दबाता हूं तो ये मुझे बताता है कि मैं पैसा किसको हस्तांतरित करने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं यहां पुनीत कुमार शुक्ला जी का नाम अपीयर करता है। रिमार्क्स में यदि आप कुछ लिखना चाहें तो आप उसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जितना पैसा भेजना चाहते हैं उतना पैसा लिखें और पे का बटन दबाएँ। ये आपको दिखाएगा कि आपका पैसा आप किस व्यक्ति के नाम में हस्तांतरित करने जा रहे हैं। पुनीत कुमार शुक्ला जी को 10 रुपया आप अपने इस अकाउंट से, जिसके आखिरी 4 डिजिट दिखाता है। एक बार फिर आपसे एमपिन पूछता है सिक्योरिटी के लिए कि आप जब आखिरी बार ट्रांसफ़र करें फिर एमपिन डालें, सबमिट का बटन दबाएं। आप देखेंगे केवल इतना मात्र करने से पुनीत जी का खाता जिस भी बैंक के जिस भी अकाउंट में आपने उस पे डाला है वो वहां पहुंच जाएगा। उसकी कन्फर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगी। तो अब ये पैसा पुनीत जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है और इसका एक SMS तुरंत पुनीत जी के पास पहुंच भी गया है। धन्यवाद सर। ये अभी मैं देख सकता हूं कि मेरे मोबाइल फ़ोन पे एक SMS आ गया है जिसके द्वारा मुझे डीएन शर्मा जी के अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो जैसा आपने देखा कि कितनी सरलता और सुगमता से हमने एक दूसरे को पैसे का आदान प्रदान कर लिया। UPI की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें हमें अपने अकाउंट नंबर को नहीं बताना है, हमें सिर्फ अपने वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को का उपयोग करते हुए हम ये आदान प्रदान कर सकते हैं। तो हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप अपने बैंक का या किसी भी दूसरे बैंक का UPI ऐप डाउनलोड करें और इसका उपयोग पैसे के लेन देन के लिए करें। ये बहुत ही सरल और सिक्योर उपाय है।